ग्रामीणों ने विकास अधिकारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मामला भगवानपुर विकास खंड के अकबरपुर कालसो गांव का है, जहां विकास कार्य की जमीनी हकीकत क्या है यह आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें उस तालाब की है जिसका सौंदर्यकरण कागजों में तो दर्ज है, लेकिन सौंदर्यकरण की जगह गोबर की कुड़िया पड़ी है, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि गांव बड़े भ्रष्टाचार की ओर जा चुका है, जिस पर खंड अधिकारी चुप्पी साध अपना ऑफिस भी छोड़कर मीडिया के सामने आने से घबरा रही है। वहीं ग्रामीण भी भ्रष्टाचार की लड़ाई में कूद गए हैं और अधिकारियों के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री के आवास पर धरना देने की तैयारी में जुट गए हैं। वही SDM दीपेंद्र सिंह नेगी का जांच का वही रटा रटाया जवाब सुनने को मिला और BDO शिवरानी चौहान को जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि BDO शिवरानी चौहान के खिलाफ खुद ग्रामीण मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या जांच बड़े स्तर पर नहीं की जा सकती? SDM खुद क्यों नहीं जांच करते? ये इस विषय में लगाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्राम प्रधान अकबरपुर कालसो ने काफी काम कागजों में तो बहुत काम दर्शाया हुआ है और धरातल पर कोई भी काम नहीं किया गया है। और दूसरी बात, ग्राम प्रधान के पास में अगर गांव के व्यक्ति किसी काम के लिए जाते हैं तो वो सही तरीके से बात नहीं करता है और न ही सही तरीके से किसी का काम करता है। अच्छा, इससे अधिकारी को सूचित किया इस मामले? अधिकारी को हमने उप जिला अधिकारी को भी सूचित कर दिया है, BDO को भी और CDO को। सरकार दे रही है वो पैसा गांव में नहीं लग रहा है। नलकू वो क्या नाम नल बताए हुए हैं, नल लग गए, वो गेट बताया गेट लग गए, गेट लगे नहीं, कागजों में लगे पड़े। अच्छा, सौंदर्यीकरण हुआ यहाँ कहीं? नहीं नहीं हुआ, सौंदर्यीकरण सफाई हुई जोड़ की एक बार थोड़ी होगी। तो अगला कदम क्या होगा आपका? आंदोलन करेंगे। आप हमारी साक्षी हैं, आप हमारी साक्षी हैं, हम आंदोलन होगा फुल। सर, ये मामला है कि मैं वार्ड नंबर 7 से मेंबर हूँ। आज तक जो मैंने काम दिए वो एक भी काम नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है, जो भी प्रस्ताव हुए यहाँ पर हमारे डुप्लीकेट साइन है उनका। बस हमारी यही है कि जो धरातल पर काम है वो है नहीं है। ग्राम प्रधान ने कितनी बार आपकी मीटिंग ले चुकी है, कितनी बार आपके साइन? साल में ये खुली बैठक लेते हैं मीटिंग। क्या बार खुली बैठक? कम से कम 2-3 बार ली होंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती, आपकी कार्रवाई नहीं होती, तो अगला कदम क्या होगा? अगला तो फिर तो आगे अधिकारी हैं, सरकार है, सरकार के पास भी जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। सब पास सड़क और नाली के संबंध में उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था कि हमारे यहाँ सड़क और नाली की स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके संबंध में जो उनके द्वारा आवेदन किया गया था वो मैंने ये BDO साहब को भेज दिया। अच्छा सर, इसमें जो अधिकारी भी लिफ्ट पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी? नहीं, अभी लिफ्ट की तो कोई बात ही नहीं है ना। उनके द्वारा मांग की गई है कि हमारे यहाँ सड़क और नाली की सुविधा चाहिए, तो उनको हमने भेज दिया BDO साहब को।